वालेकुम। आज हम बनाएंगे डोसे का बैटर, जिसके लिए हमें चाहिए चावल। आपके घर में जो भी माप है, आप उस माप से 3 माप चावल लीजिए। ये हमने 2 माप ले लिया है, 2 ग्लास, और ये तीन तीन ग्लास चावल लिया है, और 1 ग्लास उड़द की दाल, माश की दाल, जो उड़द की दाल माश की दाल भी कहते हैं, 1 माप माश की दाल और 1 ग्लास मूंग की दाल। फिर तीनों को अलग अलग भिगाना है, चावल को अलग भिगाना है, उड़द की दाल को अलग भिगाना है और मूंग की दाल को अलग भिगाना है। अगर आप सुबह में 10 बजे या 11 बजे भिगा रहे हैं, तो रात के 10-11 बजे आप इसे बारीक पीस लीजिए। और अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना है तो 6 माप चावल लीजिए, 2 माप उड़द की दाल लीजिए और 2 माप मूंग की दाल लीजिए। तरी इसका तरीका ये है कि 3 ग्लास अगर आपने चावल लिया है, तो 1 ग्लास उड़द की दाल और 1 ग्लास मूंग की दाल। और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो 6 माप चावल, तो 2 2 माप उड़द की दाल और 2 माप मूंग की दाल लेंगे। और उसका तरीका ये है कि आप सुबह में 10-11 बजे अगर भिगो कर रख रहे हैं, तो रात में 10-11 बजे से बारीक पीस ले। और इसमें इसमें सोडा नहीं डालना है, उसको पीसे बाद ढक के गर्म जगह रख ले, फिर सुबह में बना बना सकते हैं आप। ये डोसे का बैटर, ये जो रात ने हमने डोसे का बैटर जो रात ने हमने पीस लिया था, सुबह ये इस तरह तैयार हुआ है। अब हम इसका डोसा डालेंगे। ये डोसे का बैटर तैयार हो गया है, जो हमने रात में भिगाए थे। अब इसका हम डोसा डालेंगे। इस तरह इसको ऐसा ऐसा बिना चमचा हिलाए इस तरह फैलाना है हमें ऐसा। फिर उस पे थोड़ा तेल डालेंगे, इस तरह से तेल छिड़कते हैं। चाहे तो आप इस पे मिर्ची भी बुरबुरा सकते हैं, लाल मिर्ची। इस तरह हमने इस पे लाल मिर्ची डाले हैं। उसके बाद इसको पलटा दीजिए। लीजिए लीजिए, ये हमारा डोसा और सांभर तैयार।